हे गाइज, आज हम आ गए हैं अभेड़ा महल में। तो एक कोटा का ऐतिहासिक महल है, तो इसके आगे का जो व्यू है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे एंटर करते ही टिकट मिलती है, और टिकट लेके जैसे ही अपन अंदर आते हैं तो अपन को एक सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। इस महल के साइड में तालाब है, इस तालाब के अंदर बोटिंग भी होती है। बीच में इसकी ब्रिज बना हुआ है, चारों तरफ यहाँ पे पार्क है खूब, मतलब यहाँ पे अच्छी शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ का। तो हम सब ने मिल के यहाँ पर खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। आपको ये तालाब दिखाने के बाद फिर अपन चलेंगे महल की तरफ, तो आपको पूरा महल का व्यू दिखाऊंगी कि कैसा महल है यहाँ का। बहुत बड़ा तालाब है ये। आ जा। ये आ गए महल की तरफ। ये महल के आगे के इनका जो पहले का रियासत कालीन का कुआं बना हुआ है, ये कुआं कुछ इस तरीके, इसमें पानी भी है। जो महल के पीछे है वो इस तरह का पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कमल के फूल लगते हैं जो फिलहाल लगे हुए नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे खरगोश हैं, बहुत सारे खरगोश देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी बच्चों को बोट दिख गई, तो इनको बोटिंग करनी है, तो अभी बोटिंग वाले से चल के बात करते हैं, फिर सब बोटिंग करेंगे लेके। तो आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। अभी सब आके बोट में बैठ गए हैं, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सबको। और ये बोटिंग वैसे वाली है, खुद पाँव से चलाने वाली। तो बोट वाले भैया ने हमें देती थी कि आप लोग खुद से चलाओ और घूम आओ सब मिलके। तो जहाँ यहाँ इस महल के अंदर आके एक बहुत शांति और सुकून मिलता है, बहुत अच्छी जगह है ये देखने वाली। और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ पानी पानी है। पीछे की तरफ जैसे कमल के फूल मिलते हैं, आगे की तरफ ये बोटिंग वगैरह ये होती है। तो काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का। और ये जो अभेड़ा महल है ये कोटा जू के बगल में ही है, तो जब आप कभी भी कोटा जू देखने जाओ तो इस महल को भी जरूर देखें। बोटिंग करके सब आ गए हैं कैंटीन में, बच्चे कुछ खा पी रहे हैं। हमने चाय ऑर्डर की है, अभी चाय